जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके आठवें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के आठवें दिन, आठ दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगू बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया आठ दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। आप तमाम दर्शकों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अध्यादेश को लेकर। देखिए, बहुत बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि जो संसद जो बिल था, जी हाँ, जो बिल था दिल्ली से जुड़ा हुआ जो बिल था, वो सीधे तौर पर जब पास हो जाता है राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दिल्ली सत्र से जुड़ा बड़ा जो बजट था, जो ये बिल था, वो अगर पेश होने के बाद माना जा रहा है कि विपक्ष की मेजोरिटी नहीं थी और सरकार बहुत बड़े हद तक इसमें कामयाब हुई है, तो क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके आठवें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के आठवें दिन, आठ दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगू बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया आठ दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है, पांच जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती, नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का, कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का, कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए, जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता
अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए तो देश की स्थिति क्या होगी, ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है, भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे दो अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है, दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? 24 के चुनाव से पहले और बिल जो है वो संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इन दिनों देखी जा रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आने वाला वक्त अब मोदी सरकार का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके पर झटके लगते चले जा रहे हैं। तो क्या अब ये राष्ट्रपति का रुख करेंगे या कोर्ट का रुख करेंगे? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमें न्याय मिलना ही चाहिए और न्याय की उम्मीद में जिस तरीके से आज ये नजर आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर बताते हैं कि आने वाले वक्त में मुश्किलों में कहीं ना कहीं अब सरकार आम आदमी पार्टी की फस्ती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अब आम आदमी पार्टी है वो सीधे तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आने वाले वक्त में उनको 24 के चुनाव से पहले बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। आज के लेता ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।